जब मैं मंच पर शो करने गया, तो जैसे शो करने गया और लाइट पड़ी, तो वो उसमें से ऐसी गैस ही निकल रही मूंछ में से, आंखें लाल हो गई, वो लोग ताली बजा रहे, क्या सीन हो, क्यों आंखें लाल हो गए, आंसू बह रहा सर, रियल रियल। जब शो हो गया, मैंने कहा जी बता तू लाया क्या। बोले साहब एक पंचर सुधारने की दुकान खुली थी, तो वो पीले रंग का जो टायर में पंचर सुधारने का ट्यूब था, मैं वो लेके आया हूँ, और वो मैंने आपको बताया नहीं, मैंने दादा लेके आया हूँ आपको, मैंने कहा नहीं तो मैं मरता, आप मेरे को डांटते, तो अभी मैं कहूँ कि उसको लगाने के बाद गैस क्यों निकल रही और आंखें लाल हो गई। तो इतना इंसिडेंट, लोग बाद में इतना हंसे कि अरे सर क्या क्या चीज़ें होती, देखो अब कैसे क्या किया था और किस तरह से आज हम पहुँचे हैं यहाँ पर। यही मज़ा थिएटर में, आप देखिए जब भी हम फ़ोन पर बात करते हैं तो कितनी भी घंटे बात कर लें, चैट कर लें या उस पर वीडियो चैटिंग कर लें, तब भी मन नहीं भरता। चलते समय हम दो दो घंटे बात करने के बाद क्या बोलते हैं, अच्छा यार बहुत बात हो गई, किसी दिन मिलते हैं एक कप चाय। जो एक कप चाय पर मिलने की जो प्यास है वो थिएटर। दोस्तों हकीकत के पन्नों का जो सफ़र, हकीकत से भरी कहानियों का मैंने शुरू किया था, वो सफ़र लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज उस सफ़र में मेरे साथ जुड़ रहे हैं शहर के जाने माने रंगकर्मी और बहुत ही दिल छूने वाली आवाज़ के मालिक संदीप दुबे जी, जिन्होंने अपनी आवाज़ से आपके दिलों को छुआ, आपकी सुबह को खुशनुमा बनाया, आपके दिन को खुशनुमा बनाया दोस्तों, और शाम को बेहतरीन किया। ऐसे ही आवाज़ के मालिक मैं कहूँगी संदीप दुबे जी, आज हमसे चर्चा करेंगे और उनके जीवन के कुछ खास पहलुओं को हम उनसे ही जानेंगे कि किस तरह रेडियो से शुरू हुआ उनका सफ़र रंगमंच तक पहुँचा और आज वो सफलता के जिस मुकाम पे खड़े हैं उसको आज उन्होंने उसी अंदाज में बनाया हुआ है जैसे सफलता के शिखर पर पहुँचने के बाद भी जमीन को पैरों पर टिकाए रखना। तो आज हम संदीप जी से जानेंगे, सर ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और आप कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे। ये सफ़र बड़ा दिलचस्प रहा जी, और जैसा कि आपने कहा कि सफ़र, तो ये जो सफ़र है वो सफ़र के बीच में जो मुसाफिर हमको मिले उन लोगों से मुझे बड़ा सीखने को मिला जी। और जब मैं 89 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ग्वालियर में, और जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे अपने कद से बड़ा ट्रॉफी मिली थी मुझे यूनिवर्सिटी में। अच्छा। वहाँ के जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर के तिवारी, उन्होंने मुझे एकल अभिनय के लिए पुरस्कार प्रदान किया था ग्वालियर में। तब से मैंने स्टार्ट किया और एक बड़ा शौक था मुझे अंदर से। उस समय आपको याद होगा कि इतना टेलीविज़न या फिल्मों का इतना दौर नहीं था और इतना लोगों की सोच बड़ी नहीं थी कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें कि आप अपना करियर बना सकते हैं जी। तो उस समय सिर्फ ये पैशन ही रहा बस, लेकिन मेरा ये मानना था कि कभी भी पैशन नहीं होता। पैशन जब आप बोलेंगे तो पैशन का मतलब होता है शौक, और शौक जब वक्त मिलता है किसी चीज़ से तब आप उसको देते हैं, और जब वक्त मिलता है तब आप अपने किसी चीज़ को यदि आप देंगे तो उसमें 100% नहीं दे पाएंगे। लोग कहते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि अपना सारा काम खत्म करने के बाद जो बचा खुचा वक्त मिलता है वो आप अपने पैशन को देते हैं। मेरा ये मतलब है कि पैशन लाइफ में कभी नहीं होता, प्रोफेशन मानिए आप उसको जी। पैशन जब आपका प्रोफेशन बनता है तो आपकी चीज़ में निखार आता है और सिंसियरिटी आती है जी। प्रोफेशन माने आपका ये आपका बिजनेस है। जैसे एक दुकानदार का बिजनेस होता है तो वो सुबह बिल्कुल टाइम से पहुंचता है दुकान पर, उसकी इज्जत करता है और उसका पैर छूता है, बंद करके भी तरीके से आता है, उसकी केयर करता है जी। लेकिन यदि वो शौक कहेगा कि मेरा दुकान शौक है तो कभी दुकान खोलेगा कभी नहीं खोलेगा। सही बात, क्योंकि शौक कभी कभी होता है जी। आप उसको प्रोफेशन में बदलेंगे बिकॉज कॉम्पिटिशन वेरी हाई। आज के समय में इतना कंपटीशन है, इतना पैसा लगता है इंडस्ट्री में कि आप बोलेंगे किसी को भी कि मैं तो शौकिया करता हूँ, कोई आपको नहीं रखेगा। आपके घर कोई काम करने वाला यदि आता है कहता मैं तो शौकिया काम करती हूँ तो आप रखेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, शौकिया करती हूँ तो कभी भी कहते मेरा शौक है, दो दिन आऊँगी चार दिन नहीं आऊँगी।
यदि वो बोलेगी कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा बिजनेस है, आई लव थिएटर, आई लव रेडियो, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं ये तो करूँगा ही, इसके अलावा जो वक्त बचता है तब मैं दूसरे काम करूँगा, इसके अलावा जो वक्त बचता है उसमें मैं अपनी फैमिली को देता हूँ, इसके अलावा जो वक्त बचता है मैं दूसरी चीज़ों में देता हूँ, तब सरस्वती आपके पास आती है। वो कहते हैं मुझे कुछ मिलता नहीं, आपने दिया क्या। लोग शाहरुख खान की सक्सेस देखना चाहते हैं कि 20 साल बाद शाहरुख खान कहाँ है, लेकिन एक से लेके 20 साल तक जो शाहरुख खान ने स्ट्रगल किया है लोग वो दौर नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं वो तो शाहरुख खान ने स्ट्रगल किया, वो तो वो जाने, लेकिन मैं तो 20 साल बाद का एक अचीवमेंट चाहता हूँ। हाउ कैन पॉसिबल। आपको भी शाहरुख खान ने जितना स्ट्रगल किया है आपको भी वो फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो उसके क्योंकि जितना ऊपर मकान अच्छा दिखता है उतना मकान की नींव भी नीचे गहरी होती है, तो वो लोग आजकल नहीं करना चाहते, इसी सफलता नहीं मिलती। तो मैंने शुरू से देखा कि थिएटर और रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप यदि करियर ना भी बनाए, ज़रूरी नहीं है कि आप फिल्मों में जाएं जी। ये दोनों चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती हैं। आज मेरे पास में जो लोग सीखने आते हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, यहाँ पर एक नाम है डॉक्टर बिंदल, उनका पेपरों में इंटरव्यूज भी आते हैं, और सीए हैं, नाहटा में 17 साल से पढ़ा रहे हैं मिस्टर कसारिया वो हैं, एडवोकेट हैं डिम्पल अग्रवाल, चार्टेड डॉक्टर्स हैं डॉक्टर अतुल बंडी, डॉक्टर प्रमोद झंवर, ऐसे लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहते लेकिन ग्रूम के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक एक व्यक्तित्व होना चाहिए। और व्यक्तित्व कैसे बनता है? व्यक्तित्व तभी बनता है जब आपकी आवाज़ अच्छी हो, आपका डिक्शन प्रॉपर हो, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। लोग हरीश की शादी में गई थी, ना हरीश सही बोल पाते हैं और ना शादी सही बोल पाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि आदमी का जो पर्सनैलिटी होती है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, वॉइस एंड बॉडी, दो चीज़ें, ये आपकी आवाज़ और आप जो बोल रहे हैं उसका एक्सप्रेशंस, कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, बिहेव कैसा कर रहे हैं, दोनों चीज़ें जब मिलती हैं। अमिताभ बच्चन आज इतने सालों बाद नंबर 1 क्यों है? आवाज़ भी है और बॉडी मूवमेंट्स भी है, दोनों चीज़ें मिलती हैं तो वो नंबर 1 कहलाती हैं। कोई भी एक चीज़ कमी हुई तो आप फ्लॉप हो जाते हैं। आप टेलीविज़न में आप लेके आइए, यदि कोई टीवी वाला कहता है कि इसमें आवाज़ बहुत अच्छी आती लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं, आप लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। और कोई कहेगा पिक्चर क्वालिटी अच्छी है लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं, लेंगे क्या? जब आप लेना पसंद नहीं करते तो बीइंग ऑडियंस, आप एक आर्टिस्ट को कैसे झेलेंगे कि आपकी आवाज़ ख़राब है लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, क्या करूँ? दोनों चीज़ों का एक सुंदर सा मेल है, कॉम्बिनेशन कि आपकी आवाज़ और आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्टिंग, दोनों चीज़ें मिलती हैं तो एक परफेक्ट एक्टिंग बनती है। सो सफ़र की आपने की थी बात, तो करीब 15 साल का था तब से मैंने ग्वालियर से चालू किया, आज करीब लगभग 32-33 साल होने को आए, और छोटे छोटे से स्कूलों में भाग लेता था, मेरे फादर डॉक्टर हैं, और जब शुरू में कॉलोनियों में गणेश उत्सव पर मैं कॉलोनियों में कोई प्रोग्राम होता था उसमें कोई प्रोग्राम छोटा सा करने जाता था, मिमिक्री या कुछ, तो लोगों को पता पड़ता था कि बताते थे कि आपका बेटा वहाँ पर आज से उसने मिमिक्री किया, तो बोलते थे कि यार डॉक्टर का लड़का गलियों में गणेश उत्सव में प्रोग्राम कर रहा है, मेरी इंसल्ट होती है। अच्छा। तो उसमें इंसल्ट मानते थे कि भांड का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे लगा तो फैमिली का सपोर्ट मिलता जाता है, और फिर जब सक्सेस मिलती जाती है तो सक्सेस के पीछे फिर सपोर्ट मिलना चालू होता है। पेरेंट्स घबराते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, क्योंकि 90% लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। यदि आप कोई भी काम को, आप देखिए आपने नीरज चोपड़ा का देखिए कि उसको स्वर्ण मेडल मिला है जी। अब किस में मिला? भाला फेंक में। भाला फेंक कोई जानता भी नहीं था, कोई नहीं जानता, सही बात है। उनके पेरेंट्स का सपोर्ट मिला और उसने वो चीज़ किया कि अब धीरे धीरे लोग उसके बारे में सर्च करने लगे क्या होता है भाला फेंक, हम भी करेंगे। तो एक सफलता जब किसी को मिलती है तो उसके पीछे बहुत लोग हो लेते हैं, लेकिन असफलता के पीछे कोई नहीं जाता, लेकिन असफलता में भी सब, जैसे कहते हैं इम्पॉसिबल में पॉसिबल से बड़ा है। तो यदि कोई असफल नहीं होगा, यदि आप जितने बार आप गिरेंगे नीचे इसका मतलब उतने बार उठेंगे, सही बात है, उठेंगे, उठने की कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, और यदि गिरेंगे नहीं तो उठने की कोशिश कैसे करें। तो धीरे धीरे करता रहा, रेडियो में काम किए, करीब 200-250 रेडियो स्क्रिप्ट लिखी,
वॉइस ओवर भी दिया। मेरी एक तो शौक था मुझे बोलने का, मैंने माई एफएम रेडियो में इसीलिए जॉब छोड़ा, मैं वहाँ पर प्रोग्रामिंग हेड था। अच्छा। ग्वालियर में जी, दैनिक भास्कर करी माई एफएम है। तो मैंने एक साल काम किया, उसके बाद में मुझे घुटन होने लगी, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग हेड बनाया। प्रोग्रामिंग हेड क्या करता है कि आरजेस को सिलेक्ट करता है जी, और आरजेस को गाइड करता है, और आरजेस को बताता है कि आपको ये 5 प्रोग्राम दिन में देने जी। लेकिन प्रोग्रामिंग हेड को बोलने का मौका नहीं मिलता। खुजली तो बोलने की थी सही बात है। ये तो ऐसा हो गया जस्ट लाइक आपको ट्यूबवेल, एक पानी का, एक उस पर वॉचमैन बैठा रहता, उससे कहते हैं सिर्फ आपको मोटर चालू करना है, मोटर बंद करना है। मैंने कहा फिर मेरी यूटिलिटी क्या है? बोले नहीं सर, प्रोग्रामिंग इंचार्ज नहीं बोल सकता, जैसे आप पेपर में काम करते हैं, इसमें काम करते हैं। उसने कहा आप अपने फैमिली का नहीं दे सकते, दूसरों का लाइए। अब आपको यदि आर्टिस्ट है तो आपके अंदर तो वो रह जाएगी, क्या मैं सिर्फ कलर बन के रह गई? तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा, और जैसा पानी होता है ना रास्ता अपने आप बना लेता है, वैसे ही मैंने वहाँ पर भी कुछ रास्ते बनाए। उसमें क्या हो गया, मुझे नहीं बोलने दिया गया, कोई बात नहीं। बोल के आप हेड हैं तो कैसे बोलूँ? तो वहाँ जिंगल्स बनते थे, वहाँ एड बनते थे, एड में अपनी आवाज़ देने लगा। मैंने कहा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे सैलरी मिलती है लेकिन आवाज़ मेरी जानी चाहिए। तो फिर वहाँ जब मैंने कहा नहीं मुझे स्वतंत्र होना चाहिए, फिर मैंने वहाँ से छोड़ के और इस तरह से फिर जो प्राइवेट रेडियो स्टेशन है उन पर काम चालू करना चालू किया। बुलंद आवाज़ मेरा एक रेडियो मेरा चैनल है, उस पर मैंने चालू किया। मैंने पूरी 40 एपिसोड की ऑडियो रामायणी बनाई। कोरोना में लोगों ने कहा कि रामायण और ये पूरा तैयारी थी हमारी शो करने के लिए जी। और लोगों ने कहा आप शो नहीं कर सकते, परमिशन नहीं मिले, तो क्या करूँ, पब्लिक तक कैसे पहुँचूँ? मैंने कहा रास्ता तो बनाना पड़ता। मैंने कहा मैं रेडियो के जरिए पहुंचूंगा, इसमें तो हवा की तरंगों में तो आप कोई रोक नहीं सकते ना। हाँ। हम हवा के जरिए जाएंगे, हवा के जरिए जाएंगे। तो हमने फिर ऑडियो रामायण और स्टूडियो जब सब बंद थे, सब बंद था, हम लोगों ने कहा क्या करें? तो सबसे बेस्ट मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, यदि आपको सबसे अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है आप अपनी कार में जाइए, शीशा चढ़ाइए, उसमें रिकॉर्ड करिए, बहुत ब्यूटीफुल साउंड आती है, बिल्कुल स्टूडियो से भी अच्छा। सारे आर्टिस्ट ने 40 आर्टिस्ट ने कार में पार्किंग में जाते थे, कार में शीशा चढ़ा के और उसमें रिकॉर्ड कर करके मोबाइल पर मुझे यहाँ भेजते थे, फिर वो एडिटिंग करके म्यूजिक करके फिर उसको ऑन एयर करता था डेली 8 बजे रात। तो इस तरह से तरीका ढूंढ लिया जाता है। तो वैसे ही मैंने अपने सफ़र में धीरे 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 आगे बढ़ने का तरीका ढूंढा, तो यूथ फेस्टिवल्स में आगे गया, स्टेज किए, शोज़ किए। इंदौर जब आया तो इंदौर में देखा कि यहाँ पर मराठी थिएटर का बहुत कल्चर था, हिंदी बिल्कुल खाली जी। मैंने कहा यहाँ तो जहाँ जूता नहीं बिकता है, यदि वहाँ पर आप जूता बेचें तो ज़्यादा संभावना है जी। हर कोई चूचू के देखा वाह यार इसमें फीते ही बनते हैं। मैंने कहा यहाँ तो बहुत स्कोप, लोग कहते हैं यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो मराठी चलता है। मैंने कहा यही तो स्कोप है, हिंदी थिएटर चालू किया। सबसे पहला पहले ताजमहल का टेंडर मैंने प्रीतम लाल दुआ में किया, इतने छोटे से उसमें। उसके बाद गोदान किया मैंने, 40 लोगों का पूरा प्ले मैंने प्रीतम लाल दुआ में किया छोटे हॉल में, और 50 रुपये का टिकट रखा सबसे पहला। तो लोग नई दुनिया ऑफिस पहुंच गए सारे यहाँ के रंगकर्मी। अच्छा। कि यहाँ पर नाटक के टिकट लिए गए कल रात को। अच्छा। मतलब नाटक के टिकट लेना ऐसा होता था, नाटक मतलब फ्री फ्री। हाँ। मैंने कहा फ्री क्यों, सही बात है, फ्री क्यों? कोई होटल यदि खाली है इसका मतलब ये नहीं है यहाँ फ्री खाना मिलता है, ठीक है। तो मैंने वो कंसेप्ट डाला, उसके बाद में 2,000 लोग आने लगे। आपने भी हमारे एक शो देखा। हाँ, देखा सर। तो इतने लोग आने लगे और फिर देखा कि यहाँ तो बहुत शौक है लोगों को, आप लोगों तक पहुँचते नहीं, लोगों को पता ही नहीं पड़ता। आप पेपर या मीडिया के जरिए बाद में पता पड़ता है ये नाटक हुआ, फिर लोग कहते हैं अरे सर मुझे पहले पता होता तो हम जरूर देखते जी। इसका मतलब लोग चाहते तो हैं लेकिन समय पर उनको बात नहीं पड़ता, जानकारी नहीं होती, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू प्ले नहीं होते। कंटिन्यू हो तो लोगों को लगता है कि आज हम यदि रविंद्र नाटकगृह में गए तो पता नहीं ऐसा तो नहीं ताला लगा होगा। मुंबई में क्यों ज़्यादा चलता है? क्योंकि वहाँ रेगुलर होते जी। लोगों को पता हो चलो खाना खाएंगे उसके बाद थिएटर देखेंगे, गारंट कोई ना कोई चल ही रहा होगा, हिंदी इंग्लिश कोई ना चल ही रहा होगा। लेकिन यहाँ फैमिली को लेके गए वहाँ पता पड़ा ताला लगा, क्योंकि 2-4 महीने में एक हो गया। तो जो रेगुलर चलता है लोग उधर मुड़ जाते हैं, यार फिल्म देखो वहाँ तो 100% चली रही होगी। तो हमको वो चीज करना है कि कंटिन्यूटी बना के रखना है, अच्छी बुरी कैसा भी हो वो शो होते रहना चाहिए तब वो चलेगा। तो इस तरह से धीरे 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 आगे बढ़ा, लोगों का प्यार मिला, इंदौर में बहुत मजा आया,
बहुत मज़ा आया। लोगों की टेस्ट, फिर मैंने लोगों का टेस्ट डेवलप किया। यदि गोदान जैसा मुंशी प्रेमचंद का नाटक आपको मंच पर दिखाना है और आप वैसे ही दिखा देंगे तो यूथ नहीं जुड़ेगा। 10-5 रंगकर्मी सीनियर आ गए तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको हॉल फुल करना है तो उसमें कुछ आपको जायका देना पड़ेगा, कुछ म्यूजिक, कुछ सॉन्ग्स, कुछ इस तरह का कि सबको मजा आए और फिर फिल्में छोड़ के लोग आपके नाटक को देखें। वो मॉडर्न थिएटर कहते हैं, वो मॉडर्न थिएटर की तरफ मैं आगे बढ़ा, उसमें लोगों को मजा आया। इस तरह से धीरे 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 आगे बढ़ता गया और आज 32 साल पूरे हो गए। बधाई आपको 32 साल पूरे होने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिस तरह आपने बताया थिएटर की जो जर्नी रही है, बहुत ही एक्साइटेड रही है आपकी जर्नी। कई हुए होंगे इंसिडेंट्स आपके साथ जब आपको आज तक सोच के हंसी आती होगी, कह रहे हैं। बिल्कुल, इंसिडेंट तो इतने अच्छे हैं और इतने हैं। देखिए, आप सब लोग थिएटर या फिल्म को जब सामने से देखते हैं तो आपको सब साफ साफ दिखता है। बिल्कुल। लेकिन आपको उससे भी अच्छी चीज देखनी है तो बैक में देखिए। कोई धोती बांध रहा है, कोई मूंछ लगा रहा है, भाग रहा, भागम भागी मची होती है क्योंकि इधर से लेके इधर भी आना पड़ता है उसको अपने सीन पर, तो उसमें क्या हादसे हो जाते हैं। कई कई बार एक नाटक था, उसमें एक मूंछ चिपकाने की स्पिट गम आती, स्पिट गम जी। तो वो बोलता है कि अब मेरा सीन में मैं अपना ड्रेसअप बदलूंगा, इसमें अभी मूंछ नहीं है, अब इसमें मूंछ लगाऊंगा। तो सब चीज़ रेडी, वो कॉर्नर पर रख देते थे, तो कॉर्नर पर रख दिया स्पिट गम, मूंछ भी रख दी कि जैसे ही मैं करके आऊंगा ये वाला सीन, उसके बाद फटाफट लगा लूंगा। सीन करके गया, उधर पीछे गया, किसी ने उसमें लात मार दी, लात मार दी, अब वो स्पिट गम ही नहीं, उधर अब मूंछ मैं चिपकाऊँ कैसे, उधर अगला सीन आने वाला पटा। मैंने कहा क्या कर दिया, स्पिट गम किधर गया? बोले दादा किसी ने लात मार दी, वो तो सूख भी गई। वो कायदे लगाओ करके। मैंने कहा मूछ कैसे चिपकाऊँ, मुश्किल। मैंने लड़के से कहा तुमने क्या कर दिया क्या, अब जल्दी से लेके आओ। अब वो बोले सर लेके आता हूँ, शो चल रहा है, मेरा तीसरा चौथा सीन आने वाला। वो लड़के को बाजार गया, मैंने जल्दी से चिपका के कुछ भी लेके आओ। तो वहाँ से फ़ोन करता, सर आज अपना संडे को शो है, संडे को पूरा मार्केट बंद है, सर चिपकाने के लिए क्या लाऊं, मैंने जल्दी लेके आओ सीन। तो वो जल्दी से लेके आया, कुछ एक क्रीम लेके आया, क्रीम लेके आया, मैंने जल्दी से क्रीम लगा के, और जब मैं मंच पर क्रीम शो करने गया तो जैसे शो करने गया और लाइट पड़ी तो वो उसमें से ऐसी गैस सी निकल रही मूंछ में से, आंखें लाल हो गई, बड़ोक ताली बजा रहे क्या सीन हो, क्या आंखें लाल हो गए, आंसू बह रहा, सर रियल रियल। जब शो हो गया मैंने कहा ये बता तू लाया क्या। बोले साहब एक पंचर सुधारने की दुकान खुली थी, तो वो पीले रंग का जो टायर पे पंचर सुधारने का ट्यूब था, मैं वो लेके आया हूँ, और वो मैंने आपको बताया नहीं, मैंने दादा लेके आया हूँ आपको, मैंने कहा नहीं तो मैं मरता, आप मेरे को डांटते, तो अभी मैं कहूँ कि उसको लगाने के बाद गैस क्यों निकल रही है, और आंखें लाल हो गई। तो इतना इंसिडेंट, लोग बाद में इतना हंसे कि अरे सर क्या क्या चीज़ें होती। एक बार धोती का था कि आते फटाफट धोती पहनना है, तो लोग रख देते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी रखी है, छूना नहीं कोई। लौट के गए और उधर गए तो वो हमारी धोती को दूसरा आदमी पहन रहा, अरे धोती दे तू का, अरे दादा पड़ी हुई थी पीछे, तो मैंने कहा मेरा सीन आ रहा था, निकाल धोती, अरे दादा मेरी तो है नहीं, मेरी कौन ले गया, मैंने तेरी ले गया, तो पीछे धोती। तो ये जो इतना बढ़िया सीन, एक जिसको कहते हैं मेकिंग जी, वो मेकिंग आप पीछे देखिए तो इतना बढ़िया होता है मेकिंग, कि आपको पता पड़ता है कि कितना प्रॉब्लम से एक नाटक तैयार होता है, कितने स्क्रिप्ट कैसे मुश्किल से तैयार होती है, कितना जान हथेली पर, क्योंकि इसमें कट नहीं होता जी, पर्दा खुला और बंद होगा, ऐसे में ही आपको सब कुछ करना है जी। तो इस तरह से आपको पूरा सीन देखना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हास्यास्पद बन जाती हैं जो कि बड़ी यादगार रहती हैं और मज़ा भी आता है इन सब चीज़ों को देखने में, करने में, कि देखो हम कैसे क्या किया था और किस तरह से आज हम पहुँचे हैं यहाँ पर। यही मज़ा थिएटर में, आप देखिए जब भी हम फ़ोन पर बात करते हैं तो कितनी भी घंटे बात कर लें, चैट कर लें या उस पर वीडियो चैटिंग कर लें, तब भी मन नहीं भरता। चलते समय हम दो घंटे बात करने के बाद क्या बोलते हैं, अच्छा यार बहुत बात हो गई, किसी दिन मिलते हैं एक कप चाय पर। जो एक कप चाय पर मिलने की जो प्यास है वो थिएटर, जो मिलते हैं यार, चलो यार मिलते हैं किसी दिन, अरे वीडियो पे मिल लिए ना, चैटिंग हो गई ना, मन नहीं भरता, मिलते हैं यार कल, वो जो मिलने की चाहत है वो आपकी वीडियो में नहीं आ सकती, वो आपकी किसी चीज़ में नहीं आती, फिल्मों में नहीं मिल सकती। फिल्मों में देखिए पड़ोसी अपने मतलब से बैठा रहता है,
इधर का मतलब से बैठा रहता है, कोई चीज़ छूटती है तो वह सब चीज़ अपने अपने मतलब से चले जाते हैं, लेकिन थिएटर में आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, आर्टिस्ट से हाथ मिलाते हैं, आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करने के बाद में उसको एक नया शो करने की ऊर्जा आती है कि यार आज मज़ा आया, अगली बार और अच्छा करूँगा, या कुछ करेक्शंस होते हैं तो अगली बार और करेक्शंस करूँगा। पिक्चर में राधे फिल्म यदि फ्लॉप हो गई तो फिर से बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। कई क्रिटिक्स ने बोला अरे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अच्छा ठीक है बनाता हूँ, बन गई। आपको जिंदगी भर जब भी राधे आएगी आप या तो गाली देंगे या खुश होंगे, चांस नहीं है, लेकिन हमको चांस है। हम कहते हैं नहीं यार इस बार पब्लिक को ये अच्छा नहीं लगा, अगले शो कर रहे हैं अपन बेटर करेंगे। दिस इज थिएटर, राइट? दिस इज थिएटर। आपने सुना, मैं तो अपनी हंसी रोक नहीं पा रही हूँ सर से बात करके। उन्होंने इतनी प्यारी किस्से भी सुनाए हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, और जो बहुत अच्छी और दिल छू लेने वाली बात है वो ये है कि पेशन को प्रोफेशन बनाएं, लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। जैसा मैं हमेशा और अक्सर आपसे बातें करते हुए कहती आई हूँ कि ये सोचना आप बिल्कुल छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। संदीप दुबे जी की जो बात हमारे दिल को छू गई है वो जीना सिखा रहे हैं, हंसना सिखा रहे हैं, मुस्कुराना सिखा रहे हैं। मैं तो फुल ऑफ एनर्जी हो गई हूँ उन्हें सुनकर, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी फुल ऑफ एनर्जी हो जाएंगे। और अपना उन्होंने बताया है कि अगर आप एक्टिंग करते हैं तो ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को बेहतर बनाता है, उसमें आपको प्रोनंसिएशन से लेकर आपके बॉडी मूवमेंट तक हर एक चीज़ें सीखने को मिलती है। ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स है जो संदीप जी ने हमें बताई आज। तो संदीप जी को फॉलो करें, उन्हें देखें, इतनी प्यारी प्यारी बातें उनकी सुनें, उनके ड्रामे ज़रूर देखें। आप भी ऐसे ही एक कप चाय के लिए थिएटर में जाएं। और संदीप जी का जो एक्टिंग का जो एक मैं बोलूँगी कला, एक जो आर्ट उनमें बहुत ही खूबसूरत है, दोस्तों आप ज़रूर देखें। कीप वॉचिंग हकीकत के पन्नों की।